भारत के विभिन्न प्रसिद्ध दर्शनीय स्थानों की यात्राओं का लाभ लेने के लिए भारत की यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल भारत की यात्रा में आप सबका स्वागत है। हमारी आज की यात्रा में हम भादवा माता के मंदिर के दर्शन से लेकर उनके द्वारा किए जाने वाले चमत्कार और अन्य धार्मिक पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माँ एक ऐसा शब्द है जिसे याद करने भर से ही हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और सुकून का एहसास होता है। उसी तरह देवी माँ के आंचल से भक्तों के लिए हमेशा प्यार बरसता है। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से एक पल के लिए भी देवी माँ का ध्यान करता है तो जन्म जन्मांतर के पाप जो उस व्यक्ति के द्वारा किए गए हैं उनका नाश हो जाता है और उस व्यक्ति का जीवन सहज और सरल हो जाता है। ऐसे ही देवी के कई सारे रूप धरती पर विराजमान हैं, जो कि भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देवी का एक ऐसा ही अद्भुत स्वरूप मध्य प्रदेश के मालवा में नीमच शहर के नजदीक स्थित है, जिनको भादवा माता के नाम से जाना जाता है। माँ भादवा के आंगन में जो भी लाचार या अशक्त आता है वो चुस्त दुरुस्त होकर अपने पैरों पर खड़ा होकर घर वापस जाता है। कुछ ऐसा है उनका चमत्कार। इसीलिए तो माता के इस तीर्थ को आरोग्य तीर्थ भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि माता के दर्शन के लिए भादवा धाम तक कैसे पहुंचा जाए। दोस्तों, भादवा माता का ये अद्भुत मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। ये मालवा क्षेत्र के नीमच जिले से 18 किलोमीटर दूर है। आप यहाँ रेल मार्ग से भी पहुंच सकते हैं। यदि आप सड़क मार्ग से जाते हैं तो आपको राष्ट्रीय राजमार्ग 59 से जाना होगा। जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको सबसे पहले काफी बड़ा प्रवेश द्वार दिखाई देगा, जिसके ठीक पहले एक विशाल सुलभ पार्किंग एरिया आपको देखने को मिलेगा। ये वो जगह है जहाँ आप आसानी से अपने बड़े या छोटे वाहन को पार्क कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर के बाहर आपको एक छोटा सा मेला हर समय देखने को मिलेगा। जी हाँ, मेला। लेकिन ये मेला किसी विशेष अवसर के लिए ही नहीं बल्कि हर दिन लगा रहता है। यहाँ आपको कपड़ों की दुकानों से लेकर खिलौने, खाने पीने और अन्य कई चीजों की दुकानें नजर आएंगी। जब आप मंदिर के आंतरिक भाग में प्रवेश करेंगे तो आपको दो छोटे प्रवेश द्वार दिखाई देंगे, जिनमें से एक महिलाओं के लिए और दूसरा पुरुषों के लिए है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मंदिर का आंतरिक विशाल काय प्रांगण देखने को मिलेगा। यहाँ कई सारे श्रद्धालु आपको हर समय डेरा डाले दिखाई देंगे। इनमें से अधिकतर वो श्रद्धालु होते हैं जो किसी न किसी तरह के रोग से ग्रसित होते हैं, जो कि माता के चरणों में अपने रोग से मुक्ति पाने की आस में आते हैं। माता के मंदिर में आस्था के साथ आए इन श्रद्धालुओं के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा मंदिर के आंतरिक प्रांगण में आपको बिल्कुल वैसा ही मेले का दृश्य देखने को मिलेगा जैसा कि मंदिर के बाहर था। यहाँ आप माता की पूजा के लिए फूल, धूप, अगरबत्ती, नारियल, प्रसाद और अन्य सामान आसानी से खरीद सकते हैं। भादवा माता के मंदिर पर जैसे ही सुबह की पहली किरण पड़ती है, माता का ये भव्य मंदिर किसी स्वर्ण मंदिर की तरह चमक उठता है। सच कहूं तो मंदिर में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है मानो माँ की गोद में आ गए हों। अब हम माता के दर्शन के लिए आगे बढ़ेंगे। श्रद्धालुओं के भारी भीड़ के बीच चांदी के सिंहासन पर विराजमान भादवा माता के दर्शन करना एक अलग ही तरह का एहसास है। माता की मूर्ति के ठीक सामने आप एक चमत्कारिक ज्योति को जलते हुए देखेंगे। ये ज्योति कोई मामूली ज्योति नहीं है, बल्कि ये अखंड ज्योति है जो कई वर्षों से बिना रुके लगातार जल रही है। माँ के आसन के साथ ही माता की 9 शक्तियों की 9 प्रतिमाएं विराजमान हैं। माता भगवती के इन रूपों को ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नरसिंही
ऐंद्री, शिवदूती और चामुंडा कहा जाता है। माता के चमत्कार एक नहीं अनेक हैं और हर एक चमत्कार अविस्मरणीय है। स्थानीय लोगों और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के अनुसार इस मंदिर की सबसे बड़ी चमत्कारिक मान्यता ये है कि यहाँ माता भादवा हर रात इस मंदिर के गर्भगृह से निकलती हैं और मंदिर के आंगन में अदृश्य शक्ति के रूप में टहलती हैं। टहलते हुए जिस भी भक्त पर उनकी नज़र सबसे पहले पड़ जाती है वो उसे अपने आशीर्वाद से निरोगी बना देती हैं। अर्थात रोगी आता तो दूसरों के कंधे के सहारे है, लेकिन जाता है वो खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर, और वो भी एकदम स्वस्थ होकर। बस इसी आस के लिए मंदिर के परिसर में काफ़ी सारे श्रद्धालु इधर उधर डेरा डाले रहते हैं और यहीं रात भी गुजारते हैं। इन भक्तों में आपको लकवा, नेत्रहीनता और कोढ़ से ग्रसित काफ़ी रोगी देखने को मिल जाएंगे। ये सभी श्रद्धालु निरोगी होने की आस में यहाँ आते हैं। चाहे अमीर हो या गरीब, आस्था के साथ ये श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर भादवा माता के धाम तक पहुँचते हैं। माता के इसी अद्भुत और दिव्य चमत्कार को देखते हुए वर्ष भर देश के हजारों भक्तों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। स्थानीय लोगों में प्रचलित लोक कथाओं और किस्से कहानियों के अनुसार माता जब से यहाँ विराजमान हुई हैं तब से यहाँ बावड़ी भी अस्तित्व में है। माँ ने अपने भक्तों को रोग मुक्त करने के लिए विशेष तौर पर जमीन से जल की धारा निकाली थी। इस बावड़ी की विशेषता और पवित्रता के काफ़ी चर्चे हैं। बावड़ी का ये जल किसी अमृत से कम नहीं है। यहाँ तक कि माता ने स्वयं कहा है कि जो भी श्रद्धालु इस बावड़ी के जल में स्नान करेगा वो सदा के लिए रोग मुक्त हो जाएगा। जितने भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं उन्होंने माता के कई ऐसे चमत्कारों को महसूस किया है और रोंगटे खड़े कर देने वाले अपने अनुभवों को साझा किया है। आपको बता दें कि भादवा माता धाम में रविवार को माता का विशेष आराधना दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ ही यहाँ वर्ष में दो बार चैत्र और अश्विन नवरात्र के पुण्य पर्वों पर विशेष मेला लगता है। इस दौरान यहाँ देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु मंदिर के दर्शन के साथ स्वास्थ्य लाभ लेने और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने आते हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की यात्रा के बारे में आपके विचार हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी तरह की अन्य यात्राओं का लाभ लेने के लिए आपके अपने चैनल भारत की यात्रा को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई यात्रा में नए स्थान पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भादवा माता।